जिंदगी भी कितनी अजीब है, पता नहीं लोग इसकी कदर कैसे कर लेते हैं। मेरी तो जिंदगी में धोखे धोखे हैं बस। हाँ भाई, सही कह रहा है तू। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जिंदगी अजाब बन जाती है। तुम लोगों की शक्लें क्यों उतरी हुई बे? यार, अब्बा मुझे जबरदस्ती सीए करवा रहे हैं, क्योंकि उनके खानदान का हर एक फर्द चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन मेरा हमेशा से शौक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का रहा है। लेकिन मेरी उन्होंने एक नहीं सुनी, और अब जब पेपर क्लियर नहीं हो रहे तो वो चाहते हैं कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं और उनके साथ दुकान पर लग जाऊं। तुमने तो ठान लिए खानदान में नाक कटवाने की मेरी। पिछले 2 साल से मैं उम्मीद पे बैठा हूं कि तुम अब सीए के पेपर्स पास करोगे, लेकिन लेकिन हर बार तुम मेरी उम्मीद तोड़ देते हो। जाओ यहां से। यार आसिफ, तुम्हारे दुख की वजह भी तुम्हारे अब्बा है और मेरे दुख की वजह भी मेरे अब्बा है। वो चाहते हैं कि मैं उनकी दोस्त की बेटी ईमान के साथ शादी कर लूं। 2 साल से पीछे पड़े हुए मेरे। क्या बात कर रहा है बे? तू तो अक्षा को नहीं पसंद करता है, तूने उसके बारे में अपने घर में नहीं बताया वगैरह। अच्छी तरह मालूम है उन्हें, उनके दोस्त की बेटी ईमान के पैदाइश पे उन्होंने इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का फैसला किया, और इसके लिए मुझे वो बलि का बकरा बना रहे हैं। अहमद, कल तस्लीम अपनी फैमिली के साथ रात को खाने पे हमारे घर आ रहे हैं, ठीक है? ईमान भी होगी, लिहाजा आप रात को घर पे ही रहिएगा। अब्बा, आप जानते हैं ना मैं अक्षरा को पसंद करता हूँ। बस बस, इस बात पे बहुत बहस हो चुकी है, मैं तुम्हें अपना फैसला बता चुका हूँ। वहां तस्लीम इस इंतजार में है कि मैं उसके घर जाऊंगा ईमान का हाथ मांगने। तुम्हारी शादी होगी तो ईमान के साथ ही होगी। यार, इस दुनिया में सबके अब्बा इतने जालिम क्यों होते हैं? हर बात में अपनी ही मनमानी करते हैं। ओ हेलो, सिर्फ अब्बा ही नहीं, अम्मा भी बहुत जालिम होती हैं। मतलब क्या हुआ तुम्हें और तुम्हारी अम्मा को? सैफ, अरे ये कमरे की क्या हालत बना के रखी है बेटा? वो तुम्हारा गैप ईयर खत्म होने वाला है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने आगे की तालीम के लिए किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए? तुम्हें जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट हो तुम वहाँ एप्लीकेशन डाल दो। अम्मी, बाहर की ही यूनिवर्सिटी क्यों, मैं यही किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता हूँ। सैफ, तुम जानते हो ना कि मैं मुस्तकबिल में बाहर आबाद रहना चाहती हूँ, और तुम्हारे अब्बू के जाने के बाद मैंने दिन रात मेहनत की है ताकि तुम्हारी तालीम में किसी किस्म की कोई कमी ना आए। मैं नहीं जानती, जितनी जल्दी हो सके यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। तेरा दिमाग तो ठीक है सैफ। यार तू हमारी तकलीफ का मजाक उड़ा रहा है। कौन सा मजाक हो भाई, जैसे तुम्हारे अब्बा तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं ना, ऐसे मेरी अम्मा भी मेरे साथ जबरदस्ती कर रही है। मुझे जबरदस्ती बाहर भेज रही है पाकिस्तान से, क्योंकि मैं नहीं चाहता। तू पागल हो गया सैफ, यहाँ तुझे तेरी अम्मी पाकिस्तान के बाहर एक अच्छी मुस्तकबिल के लिए भेज रही है, और तू है के यहाँ हमें देख सीधी सीधी धमकी मिल रही है। ओ हेलो, ठंडा हो जा ठंडा, इस सब में कोई मुकाबला नहीं है। नहीं होगा मैं ठंडा, क्या कर लेगा तू? देख आसिफ, धक्का मैं भी दे सकता हूँ। आप तो दे ना। बस कर दो तुम दोनों, उधर घर में सुकून नहीं है और दोस्तों के पास बंदा सुकून लेने के लिए आता है, तुम लोग यहाँ पे भी जानवर की तरह लड़ रहे हो। अहमद यार, क्या कर रहा है यार तू? ये नीचे ना, किसे लग जाएगी। यार थक गया अपनी जिंदगी से, अब और जीना नहीं चाहता मैं। जिंदगी एक ही बार मिलती है और तुम उसको ऐसे खत्म करना चाहते हो। तुम कौन हो? तुम लोगों की तरह एक आम आदमी। तुम लोगों की तरह मेरी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें थी, बहुत सारी परेशानियां थी, और जल्दबाजी में मैंने भी कुछ इसी तरह का कदम उठा लिया था जिसका पछतावा आज तक मुझे होता है। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है, तो ये जिंदगी भी कोई जिंदगी हुई? खुशियां मिलेंगी तुम लोगों को,
लेकिन एक वक्त आने पर, लेकिन तब तक अपनी जिंदगी में आने वाली तमाम परेशानियों का डट के मुकाबला करो, मजबूत बनो यार, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जिंदगी में कोई ना कोई चीज छूटेगी जरूर, इसलिए वक्त है यार, संभल जाओ। शुक्रिया भाई मुझे सही राह दिखाने के लिए। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है यार, मेरे वक्त पे तो मुझे किसी ने सही राह नहीं दिखाई, लेकिन मैं दूसरों को तो सही राह दिखा सकता हूँ ना। तुम्हारा नाम क्या है? शोएब, शोएब नाम है मेरा। आज से तुम हमारे दोस्त हो, क्योंकि तुमने हमारे दोस्त की जान बचाई और हमें सही राह दिखाई। आओ शोएब, आज से तुम हमारे साथ बैठो। कितनी अजीब बात है ना, जब वक्त था तो दोस्त नहीं थे, और अब जब वक्त बीत गया है तो तीन तीन दोस्त एक साथ। खैर, हर चीज का भी अपना एक वक्त होता है। देखते ही देखते कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं। मेरी, आसिफ, सैफ की शोएब से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। हम चार अक्सर रात ही किसी सुनसान गली के कोने में बैठकर खूब बातें करते हैं। इसी दौरान हमने अपने वालदैन के खिलाफ आवाज़ उठाने का फैसला किया। अब्बा, मैं अक्सर को भूलना नहीं चाहता और ना ही भूल सकता हूँ। अगर आप बोलें तो तस्लीम अंकल से मैं खुद बात कर लूँ, लेकिन मैं ईमान से शादी नहीं कर सकता और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब्बू, ये मेरी उस यूनिवर्सिटी का फी वाउचर है जहाँ से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता हूँ। मुझे एडमिशन मिल गया है, मैं सीए नहीं कर सकता, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। अम्मी, मैं बाहर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना चाहता, मैं पाकिस्तान में रहना और पढ़ना चाहता हूँ। आज मैंने अपने अब्बा को यूनिवर्सिटी का वाउचर हाथ में दे दिया, साफ कह दिया कि मैं उनकी बात नहीं मान सकता। सही किया आसिफ तूने, मैंने भी अपनी अम्मा को साफ साफ कह दिया है, मैं पाकिस्तान में ही अपना मुस्तकबिल बनाऊंगा और यहीं रहूंगा। तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया है, मैंने भी अपने अब्बा को साफ साफ बात की है, मैं अक्सर को भूल नहीं सकता और तस्लीम अंकल से मैं खुद जाके बात करूंगा। सही किया तूने। वैसे ये सब हुआ तो शुएब की वजह से, अगर वो नहीं होता तो हम तीनों ये कदम नहीं उठा पाते। वैसे उसका कुछ अता पता है वो किधर है? काफी दिन से लापता है यार वो। हाँ, उसने अपना पता तो बताया था, एक काम करते हैं, चलते हैं। हाँ, बोल तो ठीक रहे हो, मगर अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया, कल सुबह चलते हैं। यार हम लोग सही जगह पर तो आए हैं ना? यार जगह तो यही बताई थी, मैं कहा यार घंटी बजा के देख लेते हैं, हो सकता है यही हो। जी बेटा, आप कौन? अंकल, हम शोएब के दोस्त हैं, क्या आप उसे बुला देंगे? क्या ये शोएब का ही घर है? आप लोग अंदर आए। आजा बेटा। बैठो। मैंने आप तीनों में से किसी को शेब के जनाजे में नहीं देखा, और ना ही कभी शेब ने आप तीनों में से किसी का जिक्र किया। ये क्या कह रहे हैं अंकल आप, शेब का जनाजा? अभी कुछ दिन पहले ही तो हम मिले उससे। कुछ दिन पहले? कैसे, क्या कैसे हो सकता है ये, और क्या कह रहे हो तुम? उसको गए हुए 5 महीने हो गए, और जब से वो गुजरा है उसकी माँ की हालत देखो क्या बन चुकी है। तुम लोगों की तरह एक आम आदमी, तुम लोगों की तरह ही मेरी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें थी, बहुत सारी परेशानियां थी, और जल्दबाजी में मैंने भी कुछ इसी तरह का कदम उठा लिया था जिसका पछतावा आज तक मुझे होता है। जब वक्त था तो दोस्त नहीं थे, और अब जब वक्त बीत गया है तो तीन तीन दोस्त एक साथ।